जी, बसपा अपने दम पे चुनाव लड़ रही है और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। अखलाक की जो हत्या हुई थी, जो मॉब लिंचिंग वाला केस है, या मुजफ्फरपुर के दंगे हैं, तो उस तरीके से समाजवादी पार्टी का भी हकीकत जनता के सामने है। बहन जी की सर्वजन की नीतियां भी समाज के सामने हैं, और इसी साथ में जो बीजेपी की गैर मुस्लिम या मुस्लिम विरोधी जो नीतियाँ हैं वो भी जनता के सामने हैं। तो जनता साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। अगर उत्तर प्रदेश के लालगंज सीट की बात करें, लोकसभा सीट की बात करें, तो आजकल जब से बहन डॉक्टर इंदु चौधरी आई है तब से हॉट सीट मानी जा रही है। अगर बहन जी के बाद किसी का नाम लिया जा रहा है तो डॉक्टर इंदु चौधरी का। हम सीधे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो आजकल का माहौल है, लगातार मैदान में घूम रही हैं, क्या देखने को असर मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी देखा जाए कि यहाँ की जो चुनावी सभा रही है, लोकसभा की बात करें तो ये सुरक्षित सीट है, और सुरक्षित सीट में इससे पहले संगीता आजाद जी बसपा की सांसद रही हैं, और इसके बाद बीजेपी में जब से शामिल हुई उसके बाद आपका नाम आ रहा है और आप लगातार मैदान में घूम रही हैं, क्या देख पा रही हैं? बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ। लोगों का प्यार, उत्साह, समर्पण सब मिल रहा है। बहुत सारे लोगों, पुराने लोग मिल रहे हैं जिन्होंने साहब कांशीराम के साथ में अपना पूरा जीवन लगा दिया। साथ ही साथ क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं भी देखने के लिए मिल रही हैं, जो विकास कार्य नहीं हुए हैं वास्तव में। और अब मुझे लगता है कि इधर उधर जो दर बदर होने का या भगदड़ मचाने का एक बड़ा कारण ये भी था कि आपने 5 सालों में जनता के लिए कोई कार्य किया ही नहीं, तो वो 5 सालों का जो पूरा पैसा शायद आपने अपनी झोली भरा होगा, इसीलिए आपको इधर उधर भागने की नौबत आ गई है। मैन जी, इससे पहले सपा बसपा का गठबंधन रहा, उसमें तब जाकर के संगीता आजाद जी लगभग 2.5 लाख वोटों से जीत पाई थी, और उसके प्रतिद्वंदी रहे नीलम सोलकर जी, लगभग 3.5 लाख वोट निकाल पाई थी। तो इस बार आप अकेले दम पे चुनाव लड़ रही है, बसपा अकेले दम पे चुनाव लड़ रही है? जी, बसपा अपने दम पे चुनाव लड़ रही है और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जनता के सामने आया है, और ये साफ पता चल गया है कि जो भ्रष्टाचार मिटाने का जिन्होंने नारा दिया था और जिन्होंने झूठे झूठे तमाम और वादे किए थे, आज साफ तौर पर पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार उन्हीं पार्टियों के द्वारा फैलाया जा रहा है। बहन जी पूरी तरीके से एक बहुत साफ पाक छवि वाली नेता रही है, और अब इलेक्टोरल बॉन्ड के सामने आने से उनकी उस जो छवि थी उसको और मजबूती मिली है। जनता के सामने ये सच आया है कि पूंजीपतियों की ये जो वर्तमान सरकार है, पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए ही बनी है, और इसीलिए वो पूंजीपति जनता का खून पसीने की जो कमाई है, महंगाई बढ़ा करके उसको चूस करके उसका कहीं ना कहीं से भरपाई कर रहे हैं। तो जनता इस बार 2024 में इस टाइप के जो पूंजीपतियों के पूरे, एक तरीके से समझ लिए गुलाम कह सकते हैं आप, कि पूंजीपतियों के जो दरबारी रह करके इस टाइप से इतना बड़ा बड़ा चंदा ले करके अपने आप को बड़े बड़े चुनावी जुमले जो दिए गए थे, सच जानने के बाद, हकीकत जानने के बाद जनता पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी के साथ में है। इसके साथ ही साथ वोटर आज इतना समझदार हो गया है, जो ये समझ रहा है कि वोट की राजनीति सिर्फ 5 साल में एक बार किया जाता है, बल्कि बहन जी का एक ऐसा छवि है जो सर्व समाज के हित की बात करती हैं। जितने भी उन्होंने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाए, पार्क बनाए, म्यूजियम बनाए, उसमें सर्व समाज के लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, रोजगार पा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो लखनऊ का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक है, वो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला एक इमारत है। तो ऐसे में ऐसी नीतियां जो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बहन जी की थी, उससे आज जनता वाकिफ है। हमें पूरा विश्वास है कि बहन जी इस बार प्रधानमंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदार होंगी। अभी कई दिनों से मैदान में घूम रही हैं, अगर देखा जाए तो सबसे कमज़ोर कड़ी अभी आपको क्या देखने को मिली है? कमज़ोर कड़ी हमें तो बस यही देखने को मिलती है कि जो एक नफरत का जो माहौल बनाया गया है, उस नफरत के माहौल को हमको बीट करना है, उसको हमें परास्त करना है, उसको डिफ़ीट करना है। ये एक बड़ा चैलेंज भी है, और बदलाव भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से खाली हाइप किया जा रहा है टीवी और मीडिया के माध्यम से, 400 पार जैसे नारे, हमको तो लग रहा है वो 400 पे हार वाला नारा है एक्चुअल में। तो वो एक तरीके से बरगलाने का कोशिश किया जा रहा है जनता को। जनता इस भुलावे में अब नहीं आ रही है। जिस तरीके से अखलाक की जो हत्या हुई थी, जो मॉब लिंचिंग वाला केस है, या मुजफ्फरपुर के दंगे हैं, तो उस तरीके से समाजवादी पार्टी का भी हकीकत जनता के सामने है। बहन जी की सर्वजन की नीतियां भी समाज के सामने हैं, और इसी साथ में जो बीजेपी की गैर मुस्लिम या मुस्लिम विरोधी जो नीतियां हैं वो भी जनता के सामने हैं। तो जनता इस बार पूरी तरीके से बहन कुमारी मायावती जी के साथ में है, और इस बार देखिएगा पूरे दमखम के साथ में जनता का जो रिस्पॉन्स है वो देखने को मिलेगा। आपसे एक आखिरी सवाल यह है कि मुख्तार अंसारी की मौत होगी गाजीपुर में, और बड़े सवाल खड़े किए गए, कभी अफजल अंसारी का सवाल खड़ा कर देते हैं तो पूरी पब्लिक खड़ा कर देती है, लेकिन मुसलमानों की जो वोट की बात करें, मुस्लिम समुदाय की बात करती, कहा जाता है कि नहीं, कहीं ना कहीं बहन जी के साथ भी रहा है, और साथ साथ इस समय समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है। तो क्या लग रहा है कि आप जहां घूम रहे हैं, भी मुस्लिम समुदाय के बीच घूम रही हैं, तो क्या देख पा रही है अभी तक आप?
देखिए, मैं मुख्तार अंसारी जी की बात करूं तो एक जनता का जो लीडर होता है, मुख्तार अंसारी जी का एक वैसा चरित्र रहा है, लेकिन जो लोग मुसलमानों का रहनुमा बनने की कोशिश करते थे, मुसलमानों के वोट के रहनुमा बनते थे, हकीकत सामने आ गई कि मुख्तार अंसारी जी का जब जनाजा हम लोगों ने देखा कि इतना हुजूम उमड़ा था उनकी मैयत पे, अंतिम संस्कार पे, तो और बहन जी ने ट्वीट किया कि मुख्तार अंसारी जी की जेल में हुई षड्यंत्रकारी मौत की निष्पक्ष जाँच करनी चाहिए, SIT बैठाई जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और हम ये देख रहे हैं जिन्होंने वोट की राजनीति की, हमेशा मुसलमानों का वोट लिया, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला मुख्तार अंसारी जी की मौत पे, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आज कहीं ना कहीं ये सारे लोग बीजेपी के दबाव में, बीजेपी के प्रेशर में काम कर रहे हैं। और आज जब मुसलमानों के बड़े बड़े नेता मुख्तार अंसारी जी के घर पहुंचे हैं तो अखिलेश यादव जी भी पीछे से जा करके कुछ लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे साफ पता चल रहा है कि केवल मुसलमानों की राजनीति केवल वोट के लिए किया जाता है, असल में मुसलमानों की अगर सही मायने में कोई हितैषी हैं तो वो बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में 100 से ज़्यादा मुसलमानों को टिकट दिया और इस बार भी पूरा भाईचारा, आपसी भाईचारा बढ़ाते हुए बनाते हुए उन्होंने पूरा टिकट का वितरण किया है। लेकिन लालगंज की जो लोकसभा सीट है, बहन जी आपसे बहुत कुछ मांगना चाहती है, बहुत चाहती हैं, आप क्या उनके लिए सोच रखी हैं? देखिए, जो बेसिक होता है, जो सड़क की प्रॉब्लम है वो मैं देख रही हूँ, आवास की प्रॉब्लम देख रही हूँ, गरीबी की प्रॉब्लम देख रही हूँ, शिक्षा की प्रॉब्लम देख रही हूँ, ये सारी जो आम जनमानस से जुड़ी हुई समस्याएं इसको तो हम देख रहे हैं। सबसे प्राथमिकता पे हमारे यही समस्याएं रहेंगी क्योंकि पिछले 5 साल में कोई भी विकास कार्य यहाँ पर नहीं हुआ। हाँ, बीच बीच में रोड में मैं बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा हुआ जरूर देख रही हूँ कि फलाना लाइट इन्होंने लगवाया, उन्होंने लगवाया, तो खाली सड़क पर लाइट लगवा देने से आप वही पूंजीपतियों की सरकार वाला काम कर रहे हैं कि वो लाभ जो सड़क के किनारे जिनकी दुकानें होती हैं, जिनके मकान होते हैं, वो तथाकथित वही लोग होते हैं जो कि पूंजीपति लोग चंदा देते हैं सरकारों को बनाने और बिगाड़ने के लिए। ऐसे में जो 5 साल में कार्य नहीं किया गया है, हमारी प्राथमिकता पहले उन्हीं सारे कार्यों को करने की रहेगी। हम बहुत सारे गांव में घूम भी रहे हैं जहां छप्पर डाल करके लोग रहने, हम बहुत कई बार परेशान भी होते हैं, हमारी आंखों से आंसू भी निकल जाता कि कैसे आप अपना बड़ा महल बना करके रह सकते हो जबकि आप उसी दलित समाज में जन्मे हो जहां से जिस समाज की बस्तियों में आपको आज घूमने में शर्म आ रही है, जिस समाज की बस्तियों में आप जो एक सरकार का पैसा है, जो एक बड़ा बजट आता है सांसद निधि का, उसको लगाने में आपको शर्म आ रही है, या आप खुद भी उतना ही वही पूंजीपति मानसिकता के स्वयं होते जा रहे हो कि दलितों में आपके अंदर वो वाली पूंजीपति मानसिकता आ गई है कि आप उनका भी शेयर खाने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर इस तरीके से करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा दिन सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, हमारा मुद्दा उनको क्रिटिसाइज़ करने का नहीं, हमारा मुद्दा जनता तक उनके हक और उनके जो लाभ है, जो सरकारी लाभ है, उसको 100% लागू करना और 100% तक उसको पहुँचाना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बसपा के उम्मीदवार लालगंज लोकसभा सीट से डॉक्टर इंदु चौधरी जी थी। बातचीत कैसी लगी है हमें जो बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बसपा अपने पे चुनाव लड़ रही है और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जनता के सामने आया है और ये साफ पता चल गया है कि जो भ्रष्टाचार मिटाने का जिन्होंने नारा दिया था और जिन्होंने झूठे झूठे तमाम और वादे किए थे, आज साफ तौर पे पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार उन्हीं पार्टियों के द्वारा फैलाया जा रहा है। बहन जी पूरी तरीके से एक बहुत साफ पाक छवि वाली नेता रही है और अब इलेक्टोरल बॉन्ड के सामने आने से उनकी उस जो छवि थी उसको और मजबूती मिली है जनता के।